अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह मकलूबा बनाना सीखेंगे। ये एक अरबियन रेसिपी है जो हमारे रूटीन रेसिपी से थोड़ा हटकर है। आप इसे बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। और अगर आप एक बार इसे बनाएंगी तो बार बार इसे बनाना चाहेंगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, यानी लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल सबास बेस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें कोऑपरेट भी कीजिए। तो चलिए हम इस मज़ेदार से मकलूबा को बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो देखिए, एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रखा और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। करीब पौन कप हमने तेल डालना है। फिर उसमें एक टेबलस्पून घी डाल दीजिए, असली घी या बटर डालिए, और एक बड़ी सी प्याज को कट करके इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आपने इसमें 5-6 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल देना है। इन सभी चीज़ों को आप फ्राई कर लीजिए। देखिए, जो गैस की आँच है यानी फ्लेम है वो हमने तेज़ कर रखा है और तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमने इसमें 1.5 चम्मच यानी 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल दिया। देखिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च की जो क्वांटिटी है और जो हम इसमें डाल रहे हैं वो हम हमारे इंडियन टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, क्योंकि इंडियन टेस्ट जो होता है थोड़ा सा चटपटा सा होता है, इसीलिए हमने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड की है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून ये जो गल्फ स्पाइसेस हैं यानी अरेबियन स्पाइस मिक्स है वो डाल रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी आगे रेसिपी बता दूँगी। अगर आपके शहर में ये मिलता है तो आप इसे ख़रीद लें, अदरवाइज़ मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को अब मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। ज़्यादा आंच तेज़ ना रखिए वरना मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद चिकन डाल दीजिए। 1 किलो चिकन हमने इसमें डाल देना है। आप अपने हिसाब से इसमें चिकन डाल सकती हैं। और उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को तेज़ आंच पर हम भून रहे हैं। अब इसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए। नमक आप 1 से 1.5 टेबलस्पून डालिए, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को आप तेज़ आंच पर भून लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अब देखिए, हम इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल रहे हैं। और उसके बाद 1 सूखा नींबू यानी जो ब्लैक लेमन होता है वो हमने इसमें डाल दिया। अगर आपको ब्लैक लेमन नहीं मिलता है तो आप लेमन जेस्ट जो होता है यानी नींबू का जो छिलका होता है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा खिस कर यानी ग्रेट करके डालिए। उसके बाद आप इसमें 3 ग्लास पानी डाल दीजिए, या फिर आप अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दीजिए। देखिए, ये और एक ब्लैक लेमन है जिसको मैं आधा तोड़कर यानी इसके बीज निकालकर आधा तोड़कर इसमें डाल दूंगी। ब्लैक लेमन से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अरेबियन रेसिपी की तो जान होता है ये ब्लैक लेमन। देखिए, अब टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक डाला। अब ये देखिए, ये मैगी का चिकन स्टॉक है, क्यूब है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे डालें या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन डालेंगी तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ऑथेंटिक मकलूबा में ये नहीं डाला जाता है, लेकिन अगर हम ये डालते हैं तो इसका जो चावल का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर 1/2 टीस्पून या थोड़ा सा हमने ज़ाफ़रान को हाथों से क्रश करके इसमें डाल देना है। इसकी वजह से चावल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएंगे। इसे मिक्स कीजिए और बॉईल होने दीजिए, यानी हमने इस स्टॉक में चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। कुछ देर ढाँक दीजिए
ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और जब चिकन गल जाएगा तो आपने चिकन को इस में से निकाल लेना है। देखिए सारे चिकन के पीसेस को निकालिए, फिर इस उबलते हुए पानी में हमने भिगोए हुए चावल डाल देना है। ये यहाँ मैं 750 ग्राम यानी पौन किलो बासमती चावल डाल रही हूँ। मैंने ऑलरेडी चावल को पहले से भिगो कर रखा था तो इसीलिए मुझे ये पानी कम लग रहा है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, बस टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए और इसे तेज़ आंच पर पकाइए। अब हमने इसमें आधा नींबू का रस डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और फिर ढक्कन ढाक कर गैस की आंच को धीमा कीजिए और इसे दम दीजिए एक 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए ये दम हो चुके हैं, देखा आपने, ये अच्छी तरह से दम हो गए हैं। अब हमने एक दूसरे फ्राइंग पैन में तेल गरम किया और इस गरम तेल में हम सब्जियां फ्राई करेंगे। देखिए ये आलू को हम मैंने छील लिया था और इसके मोटे मोटे चिप्स बना लिए हैं। हमें ज़्यादा पतले चिप्स नहीं बनाने हैं, बस मोटे मोटे चिप्स बनाने हैं और इन आलू को फ्राई कर लेना है। तो आलू को आप दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद इसे निकाल लीजिए। इस तरह का बड़ा सा बैगन लीजिए जो हम भरते के लिए यूज़ करते हैं और उसके भी चिप्स यानी स्लाइसेस काट लीजिए और फिर उसके बाद इसे भी फ्राई कर लीजिए। अगर आप देर तक रख रही हैं तो इस पर नमक छिड़क दीजिए। देखिए इसके बाद हमें इन्हें निकालना है। देखिए इस तरह से आप फ्राई करके बैगन को भी निकाल लीजिए और उसके बाद देखिए हमने गाजर के भी स्लाइसेस किए हैं। इस तरह से एक गाजर के मैंने स्लाइसेस करके फ्राई कर लिया है। अब देखिए पैन में बिल्कुल थोड़ा सा तेल रखिए और उसके बाद ये लाल हरी और पीली शिमला मिर्च को इसमें टॉस कर लीजिए और प्याज को भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिए बिल्कुल कम तेल में। मैंने एक प्याज के स्लाइसेस को भी बिल्कुल कम तेल में फ्राई कर लिया है, बहुत ही कम तेल है। अब देखिए थोड़े से तेल में शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लीजिए और फिर ये जो टमाटर हैं इन टमाटर के भी मैंने स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है। ये एक बड़े टमाटर के स्लाइसेस थे। अब देखिए जो हमने चिकन निकाला था उसको मैं स्मोक कर रही हूँ, तो जलते हुए कोयले पर मैंने घी डाला और फिर जैसे ही धुआं निकलता है ढक्कन ढाँक दिया और धुआं ख़त्म होने के बाद ढक्कन निकाल लीजिए, यानी 5 मिनट में ढक्कन निकाल लेना है। अब हम मकलूबा को सेट करते हैं, यानी हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया। इस तरह से एक नॉन स्टिक पैन अगर लेंगे तो मकलूबा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हमने पहले इस पर तेल लगा लेना है और तेल लगाकर हमने ये सारी जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो सारी सब्जियां हमने इस तरह से रख देनी हैं। बैगन रखिए, फिर टमाटर रखिए, इस तरह से आप जैसे भी आपको सही लगे यानी आपको जैसे भी पसंद हो उस तरह से ये सारी सब्जियां अरेंज कर लीजिए। देखिए सेंटर में हमने गाजर रखा है, आप चाहें तो प्याज रख सकती हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप इसे सेट कर लें। तले हुए आलू हैं, गाजर हैं, ये मकलूबा दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो चिकन गला कर रखा था वो भी हमने इस तरह से रख देना है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चिकन बचा कर रखिए क्योंकि हमने और एक लेयर बनानी है चिकन की, तो उसके लिए हमने चिकन थोड़ा सा बचा कर रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर शिमला मिर्चें रख दी हैं, ये लाल और हरी शिमला मिर्चें हैं, पीली शिमला मिर्चें हैं जो हम इस तरह से रख रहे हैं। और उसके बाद जो पके हुए चावल थे वो हमने इसमें रख देने हैं। इस तरह से एक लेयर बना ली हमने पके हुए चावल की और उसके बाद हम फिर से सब्जियों की एक लेयर बना लेंगे।
तो इस तरह से सब्जियों की लहर बना ली, उसके ऊपर प्याज डाल रहे हैं हम। और फिर चिकन के पीसेस डाल दीजिए जो कि हमने उठा बचा कर रखे थे, सारे चिकन के पीसेस डाल दीजिए और उसके ऊपर फिर से चावल डाल दीजिए। और चावल को अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। और अब हम इस पर थोड़ा सा बटर रखते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बटर रखिए, ढक्कन ढाँकिए और 1-2 मिनट फुल फ्लेम पर, और फिर धीमी आंच पर 5 मिनट रखिए। और देखिए ये हमारा मकलूबा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसे पलटाते हैं। बस एक प्लेट रखिए और उस पर ये पलटा लीजिए। तो ज़बरदस्त मकलूबा तैयार है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।